बाड़मेर शहर में कई गली मोहल्लों में विद्युत के झूलते तार हादसों को न्योता दे रहे हैं। बात करें शहर के इंदिरा कॉलोनी की, तो इस क्षेत्र में कई गली मोहल्लों में विद्युत के तार काफी नीचे झूल रहे हैं, जिससे मोहल्ले वासियों को हादसों का भय बना रहता है। वहीं क्षेत्र में कई घरों के तो ठीक नजदीक से विद्युत के हाईटेंशन तार के गुजरने के कारण लोगों को हर समय हादसों का भय बना रहता है। डिस्कॉम के अधिकारी शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे। बाड़मेर शहर में कई गली मोहल्लों में विद्युत के झूलते तार हादसों का न्योता दे रहे हैं। बात करें शहर के अंदर कॉलोनी की, तो इस क्षेत्र में कई गली मोहल्लों में विद्युत के तार काफ़ी नीचे झूल रहे हैं, जिससे मोहल्ले वासियों को हादसों का भय बना रहता है। वही क्षेत्र में कई घरों के तो ठीक नज़दीक से विद्युत के हाई टेंशन तार से गुजरने के कारण लोगों को हर समय हादसों का भय बना रहता है। डिस्कॉम के अधिकारी शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे। दरअसल शहर में लगे ज़्यादातर तार पोल 10 पुराने हैं। अब कई पोल जर्जर हो चुके हैं। इतने वर्षों में सड़कें बनने और उनके उच्चीकरण के अब जमीन से तारों की ऊंचाई कम रह गई है। शहर में वर्षों पुरानी बिजली के पोल तथा जगह जगह झूल रहे तारों के कारण शहरवासी स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। शहर के कई स्थानों पर झूलते तार और झुके पोल के कारण हादसा होने का अंदेशा बना हुआ है। आबादी क्षेत्र में हैवी लाइन को हटाने, झूलते तारों को ऊंचा कराने और झुके पोल की जगह नए पोल लगवाने के डिस्कॉम रुचि नहीं ले रहा। जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये खुले तारों से काफी दिन हो गए, गाड़ियां आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। नीचे तार है, गाड़ी है, टेम्पो वगैरह है, कई दिनों से प्रशासन ने कई बार बोल भी दिया है, लेकिन बोला देखते हैं तो कुछ हुआ नहीं है। और खुले तारों की वजह से वाहनों की बहुत प्रॉब्लम है। गाड़ी से गाय गुजरते हैं सारे के लिए लाने झाला नहीं सकती है। बड़ी गाड़ी आए तो वो भी घूम नहीं सकती। तार बिल्कुल तो नीचे पड़े, चारों तरफ फैले हुए पड़े तार। ये बोला प्रशासन थोड़ा हाइट को दूसरा लगा के कर सकते हैं, लेकिन कोई अभी तक किसी सुनाई नहीं। बारिश के दिनों में यहाँ बारिश बहुत दिक्कत आते हैं, बहुत दिक्कत आती है। गाय को बहुत गाय जैसे खड़ी है, नीचे तार है, ऊपर करंट भी आ सकता है, गाय को हानि हो सकती है। बाकी तो लोगों को तकलीफ दिक्कत तो है। शहर के कई मोहल्लों में बिजली के खंभों पर तार इस कदर उलझ गए हैं कि इनमें स्पार्किंग होने का खतरा रहता है। यही नहीं, इन झूलते तारों की वजह से शहरवासी भयभीत नजर आते हैं। कई बार बड़े वाहनों में झूलते तार फंस भी जाते हैं, जिससे बिजली गुल हो जाती है। करीब करीब पूरे शहर में झूलते तारों की समस्या बनी हुई है। कई बार लोग डिस्कॉम से शिकायत भी करते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। झूलते बिजली के तार हादसे को न्योता दे रहे हैं।